was yesterday while I was writing these sentences, due to some reason the camera got tilted that way. So this portion was not visible, right? I have written them again today, and you can see it very clearly. के मुझे उम्मीद है, ये वाला हिस्सा नज़र बड़ा नहीं जा रहा था ये वाले से, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गैर हाज़िरी माफ़ कर देंगे, राइट? या बेटे गैर हाज़िरी माफ़ करना, एक्सक्यूज़, मैं लिख नहीं रहा, इस अखबार पर पाबंदी लगा दी जाएगी, ठीक है? यहाँ पर पाबंदी लगाने का मैंने आपको बताया था सेंक्शन, ठीक है? सेंक्शन, पाबंदी लगाना, बैन, पाबंदी लगाना। क्या आप मेरी बातों का बुरा मानेंगे? ये बेटे बुरा मनाना जो है ये हम डेली के सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि माइंड करना है जी, आप मेरी बात को माइंड नहीं करेंगे, कहते हैं ना रोज़ाना, तो वही माइंड करना है यहाँ पर। क्या आप मेरी बातों का बुरा मनाएंगे, ये क्वेश्चन है। क्या आपके चचा बहुत बड़े वो हैं जी, इलेक्शन में खड़े हो गए, तो वो आप पूछ रहे हैं अपने दोस्त से, क्या आप मेरे चचा को वोट देंगे? वोट देने का वही चीज़ है, वोट उर्दू में भी कहते हैं और इंग्लिश में भी वोट ही कहते हैं। उसे मुल्क छोड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी, ये बेटे सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। वो यहाँ ज़रूर आएगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर आया हुआ है, तो बेटे जैसे मैंने बताया है शेल विल में और विल शेल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंपल्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। मैं तुम्हारे घर आऊँगा, सिंपल सेंटेंस है। क्या वो डांस करेगा, सिंपल सेंटेंस है। आज बारिश होगी, ठीक है, आप एक बच्चे के मैं टेस्ट चेक कर रहा था, तो बेटे जितने भी मौसम के सेंटेंस हैं वो इट से शुरू होंगे, ठीक है, इट विल रेन टुडे, ठीक है, द रेन विल रेन टुडे नहीं, इट विल रेन टुडे। लड़के शोर नहीं करेंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे। तो ये आपने दोबारा एक दफ़ा से देखने और इसको आपने